वैसे तो यार मेरे को गलियां देख के ना दलाल स्ट्रीट की याद आ रही है, और आप लोगों ने भी शायद किसी ना किसी वेब सीरीज में तो देखी होंगी। ये सभी के सभी पता है क्यों आए हैं, क्योंकि हम सभी लोग उसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और इतने सारे लोग एक साथ जाने वाले हैं। तो ये भैया मुंबई की जान काली पीली टैक्सी जो यहाँ पे चलती है, और इतनी भीड़ आज तक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हुई होगी, सिर्फ कि अभी इवेंट के चक्कर में यहाँ पे हो रही है। यार इधर नेटवर्क है ना बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा ना के बराबर है। तो अगर आप सोचते हो कि यार गेट के बाहर आके अगर आप कुछ कॉल वॉल कर लो, कुछ करो, नहीं होगा भाई जी। इतनी भीड़ यार देख सकते हो लोग, इमिग्रेशन के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और हम लोग भी इसके अंदर फंसे थोड़ा सा भाई साहब, कितने से हालत हो रही है। तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के फ्रेश ब्लॉग के अंदर। तो यार हम फाइनली उस डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जहाँ से कि हम अपनी लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप को स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी देर में बताता हूँ कि हम किस चीज़ से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यार भूख लगाइए तो थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। आपने लास्ट वीडियो देखा ही होगा कि हम मुंबई उतरे थे, बस कॉफ़ी हम लोगों ने पी थी स्टारबक्स से। तो चलो कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, और मुंबई यार फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर पाऊँगा, तो चलो चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ों को। तो भाई मुंबई की यार ब्यूटी यहाँ पे देख सकते हो, ओल्ड मुंबई कितना सही है, और हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सामानों के साथ में। देख सकते हो कि सामान को ले लेके भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे क्या खाने को मिल सकता है, बट वाइफ्स जो है यहाँ पे बहुत पसंद है। वैसे तो यार मेरे को एक गलियाँ देख के ना दलाल स्ट्रीट की याद आ रही है, और आप लोगों ने भी शायद किसी ना किसी वेब सीरीज़ में तो देखी होंगी, इस तरीके की गलियाँ बहुत सही दिख रहा है। Few moments later. तो लो यार, इन गलियों में भटकते भटकते हम लोग आ गए हैं साउथ इंडियन एक होटल में। तो यहाँ पर कुछ खाना वाना खाते हैं, हम लोगों ने बैग्स को रख दिए अपने, और उसको रखने के बाद पिछली बार पर हम खाएंगे उसको करते साइड। तो यार इस जगह पर अगर बात करें तो ये कुछ मेन्यू है, बट हम लोगों ने ज़्यादा कुछ मंगा नहीं, थाली मंगा ली है, तो देखते हैं कि कैसा होता है, बट ऑसम जगह लग रही है। और वाइफ तो जैसे पूरी बच्ची सारी आ गई है। तो लो यार भाई, खाना बड़ा अच्छा था, ऑलमोस्ट मैंने पूरा ख़त्म हो गया है, एंड सबको ये खाना बहुत पसंद भी आया, तो गुड थिंग। तो खाना वाना तो हो गया यार अपना, बहुत बढ़िया खाना था। आई होप अगर आप लोग भी कभी विजिट करो तो यहाँ पे खा सकते हो, एक अच्छा टेस्टी और पेट भर के हम लोगों को खाना मिल गया। अब हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, चलो आगे की तरफ बताता हूँ। Few moments later. तो लो यार जरा भीड़ तो देखो, चारों तरफ खतरनाक वाली, और ये सभी के सभी पता है क्यों आए हैं, क्योंकि हम सभी लोग उसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और इतने सारे लोग एक साथ जाने वाले हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, तो वीडियो में बने रहो, आगे तो बताता हूँ। पर एक बार फिर से देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब अपने बैग्स के साथ यहाँ पे टंगे हुए हैं। वहाँ से ज़्यादा अगर भीड़ की बात करूँ तो वो सारी की सारी यहाँ पर है, और हम लोग कहाँ आए हैं अगर उसके बारे में बताऊँ तो हम लोग आए हैं बेसिकली मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्रूज से, और वो भी कहाँ पे, वो भी हम जा रहे हैं मुंबई से दुबई। जी हाँ, वो भी क्रूज से। तो आपको ये जितना भी ब्लॉग मिलेगा सब क्रूज का मिलेगा, तो चलो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे इंटरनेशनल टर्मिनल पे इतनी सारी भीड़ देख के मेरे को तो लगता ही है कि जल्दी अपना इमिग्रेशन हो पाएगा, हालांकि वहाँ से एंट्री है, बट हम लोग भी वेट ही कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, अपना पूरा सामान वामान सब लेकर यहाँ पर। बट ये वाला आपको सरप्राइज कर रहा है, कितने लोगों ने गैस किया था कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि पता पड़े कि कितने लोगों ने सही गैस किया है। Few moments later. गर्मी आ रहा है, इतनी ज़्यादा होने लग गई कि पूरा सोटे उतारना पड़ गया है, और हमें चीखने लग गई है, तो चश्मा भी निकाला है। तो अभी देख सकते हैं यार अपन अंदर एंट्री कब कर पाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो ये भैया मुंबई की जान काली पीली टैक्सी जो यहाँ पर चलती है। तो लो भैया, बोर्डिंग तो लोगों की शुरू हो गई है, देख सकते हो पीछे की तरफ भीड़ कितनी सारी है, अच्छी खासी, और इतनी भीड़ आज तक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हुई होगी, सीखना कि अभी इवेंट के चक्कर में यहाँ पे हो रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मैं भी सब लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उनकी भीड़ थोड़ी ख़त्म हो, हमारे भी थोड़े मेंबर्स आ जाए, तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ, और अगर टाइम अच्छा खासा लगेगा ही लगेगा इसको। तो यार अब लाइन में आके लग गया हूँ, पीछे देख सकते हो लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि यार इधर नेटवर्क है ना बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा ना के बराबर है। तो अगर आप सोचते हो कि यार गेट के बाहर आके अगर आप कुछ कॉल वॉल कर लो, कुछ करो, नहीं होगा। तो जो भी कॉल वॉल करना है यहाँ से आधा किलोमीटर पहले ही करो, ज़्यादा बेटर है, तो कोई कॉल वॉल होगा नहीं, और मैं भी परेशान हो रहा हूँ, नेटवर्क चले गए, सबको फोन लगाना है। One hour later. तो फाइनली यार एक डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद पूरी लाइन क्लियर करके
रिसेप्शन मतलब आपके साथ जो चेकिंग काउंटर है वहाँ से आ गए, लाइन में लगे लगे हालत ख़राब हो गई, नेटवर्क तो यहाँ पे एक तो है नहीं, और अब फाइनली हम आ गए हैं अंदर। तो आपको दिखाता हूँ क्रूज़ की छोटी सी झलक, ये देखिए ये खड़ी है अपनी प्यारी प्यारी क्रूज़। तो अभी चलते हैं उसके पास में और फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। फिलहाल में हम अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, एक बार वो आ जाए तो फिर देखते हैं कि हम लोग अंदर की तरफ जल्दी से जाते हैं। तो यार वहाँ पे सामने की तरफ है ना बसेस खड़ी हैं जिसके अंदर हम लोगों को जाना है ताकि हम क्रूज़ पे जा पाएँ, और उसके साथ ही हम लोगों का इमिग्रेशन भी वहीं पे होने वाला है। हालांकि हम लोग वेट कर रहे थे पर वो तो अब आए नहीं है, तो हम लोगों को तो पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि एक घंटे का इमिग्रेशन बाकी है और वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। तो फटाफट जाके उसको भी निपटाते हैं और फिर इंजॉय करेंगे, शाम को चिल करेंगे क्रूज़ के ऊपर। तो लो यार बस के लाइन में भी आ गए, पास ले लो पास, लाइन से पीछे बस ही बस लगी हुई है और ये सारी बसेस हमें ले जाएंगी वहाँ क्रूज़ तक। तो लो यार फाइनली बस चली और इतनी ऐसी लाइन में खड़े मेरे तो ए सी का मजा ले रहे, लेकिन मेरी जो टांग है वो कुछ इस तरीके से रखनी पड़ रही है, फंस फंस के जाना पड़ रहा है, बट मज़ा तो आएगा यार। तो लो यार फाइनली हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों को अपना इमिग्रेशन भी करवाना है। यहाँ पे भी कोई लाइन लगी हुई है, इसको देखते हैं, नहीं तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर अपना जो इमिग्रेशन है वो कराएंगे। हालांकि शोर थोड़ा ज़्यादा है, बसेस यहीं खड़ी है, बट इसके पीछे खड़ी है अपनी मोस्ट अवेटिंग लग्जरी क्रूज़। भाई जी इतनी भीड़ यार, देख सकते हो लोग इमिग्रेशन के भी कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, पर हम लोग भी इसके अंदर फंसे थोड़ा सा। One hour later. भाई साहब कितने ऐसी हालत हो रखी है, कितने ऐसी देख सकते हो और क्या खतरनाक भीड़ है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, नहीं है मेरे पास। तो बड़ी मुश्किल से हम सब लोग निकल के आए, हालत खराब से खराब हो गई। तो फाइनल इमिग्रेशन तो हो गया है, अब हम पी रहे हैं यहाँ पे जूस वो मेरा है वहाँ से, और सामने खड़ा है अपना जूस जिसके तरफ अपन चलने वाले हैं। तो लो यार फाइनली इतनी माथापुरी गंदगी के बाद अंदर घुस आए, हालांकि जब हमने इमिग्रेशन क्रॉस किया तो हम लोगों को अच्छा जूस मिला, रसना मिला, ठंडा पी के थोड़ी सी राहत है। और यहाँ पर से हमने एंट्री करी और अभी हमने अपने बैग यहाँ पे दे दिए हैं, उस पर टैग लगा था तो वो हमारे रूम में पहुँच जाएंगे। एंड सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये रहा भैया, क्रूज़ पूरा मेरे फ़ोन में भी नहीं आ रहा है, ये देखो। हालांकि अभी जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं, बट वो है अपने पास शिप। एंड साउंड थोड़ा ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी ज़्यादा मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा साउंड है, पर आगे चलते हैं वहाँ देखते हैं कैसा इसका व्यू आने वाला है। और ये है अपने के लिए पूरा ही पूरा। तो ये है भैया वो एंट्री जहाँ से अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले सोचा उसका फ्रंट में जाते हैं। और शिप देखो यार, जो शिप है वो है कोस्टा सेरेना, और इसी शिप से मतलब इसी क्रूज से हम लोग बेसिकली जाने वाले हैं। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आशीष सर भी साथ में जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दुबई टू द मून। तो 3 दिन का ट्रिप रहने वाला है दुबई तक जाने का, फिर दुबई में घूमेंगे और दुबई से वापस भी हम इसी क्रूज से यहाँ पे आने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर द एंजॉयमेंट। सो गाइस रेडी फॉर द क्रूज, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं मुंबई से दुबई, वो भी अपनी क्रूज में। और क्रूज कौन सी है, वो है कोस्टा सेरेना। और ये जो क्रूज है ये बेसिकली आप कह सकते हो मोस्ट लग्जरियस क्रूज होने वाली है, और ये जो हमारा पूरा ट्रिप है ये होने वाला है 9 दिन का। तो हम लोग जाने वाले हैं 9 दिन के लिए इस क्रूज में, जहाँ पे दुबई को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय करिए इस पूरी की पूरी ट्रिप को। एंड यस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के अमेजिंग इंटरनेशनल ब्लॉग्स भी आप यहाँ पे देख पाए। तो वहाँ पे देख सकते हो यार केटरिंग वाले किस तरीके से जो खाना है वो अंदर ले जा रहे हैं शिप में, इसी के साथ बहुत सारी लाइफ बोट्स भी हैं और वहाँ पर एक जो हेल्पर है वो ऑब्वियसली इसको साफ कर रहे हैं। तो अच्छा खासा टाइम तो लगने वाला है इस पूरी शिप को निकलने में, तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। अभी तो देखो वहाँ पर कितनी भीड़ लगी है, ऑलरेडी हम लोग यहीं पर भटक रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, बट यार मन तो है इसके फ्रंट में जाने का, वहाँ से जो इसका व्यू आएगा ना वो ऑसम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम क्रूज कोस्टा सेरेना के अंदर। तो यार देख सकते हो कितना बड़ा क्रूज है यार, मतलब कि इस एंड से उस एंड तक की बात करें तो इट्स फुल्ली ऑसम। और ये क्रूज होने वाला है हमारा घर अगले 9 दिनों के लिए, हालांकि 3 दिन हम दुबई के अंदर भी रुकने वाले हैं। ये क्रूज हमें ले जाएगा यहाँ से यानी कि मुंबई से दुबई तक, और पूरा की पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे इस क्रूज को। आपको भी इंजॉय कराता हूँ हर एक छोटी से छोटी चीज कि इस क्रूज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। One hour later. यार फाइनली ये वाली क्यू भी हमने पार कर ली, अब कसम से यार पाँव हाथ पाँव सब दुखने लग गए हैं। तो चलो अब चलते हैं अंदर क्रूज के अंदर, वेलकम यहाँ पे।
तो लो भाई अंदर की तरफ घुस आए और देख सकते हो लो भी कितना बड़ा है यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे वीडियो लेने का मना था स्टार्टिंग में, लेकिन अंदर हम जहाँ मन चाहे वहाँ पे वीडियो ले सकते हैं। तो यार अंदर आए और यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन हो रहा है, मैंने अपनी फोटोग्राफी यहाँ पे खिंचवा ली है, तो देख सकते हो कि कितना अच्छा है। हाँ एक हम लोग के साथ में भी फोटो हो जाए। तो लो यार टेंट नंबर डेक्स पे आ गए हैं, ब्यूटीफुल awesome। जहाज के आगे तीसरी मंजिल पर स्थित है। धन्यवाद। अब यार रूम ढूंढना है, तो ये रहा ये रहा। 87 इधर है तो ये वाला मिल गया, यहाँ पे लिखा ना, तो इधर अपने को जाना है। फाइनली यार हम लोग 10th फ्लोर पर रुके हैं। अब मैं कैबिन देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैबिन कैसा होने वाला है। आई होप बालकनी हो यार उसमें। तो ये रहा भाई हमारा कमरा 1087, और इसको खोल के देखते हैं कि अंदर कैसा रहने वाला है। ओहो आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई था, अभी तो अंधेरा है और टीवी भी चल रही है जिसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे वो है भैया ये बालकनी। हालांकि खुल नहीं रही है, मैं कोशिश करता हूँ उसको खोलने की। तो यार ये सर ने तो खोल लिया, पता नहीं मुझसे खुल नहीं रहा था, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। अभी भी नहीं खुल रहा है, मेरे को बोलना ही पड़ेगा हेल्प के लिए। कोई सा बटन है क्या? देखिए यहाँ पे कोई बटन है। ओहो फाइनली खुल गया, बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये है अपना व्यू भाई साहब, फाइनली नीचे देखो जरा, वहाँ पे हम खड़े थे अभी, मेहनत करी वहाँ से लाइन शुरू होके वहाँ तक गई, वहाँ से हम लोग ऑलरेडी निकले थे और यहाँ पे आ चुके हैं। सामने की तरफ आप समुद्र का पूरा नज़ारा ले सकते हो, हालांकि अभी जब चलेगा तब और दिखाता हूँ। सामने भी डॉकयार्ड्स हैं शायद, और इस तरफ के अगर व्यू की बात करें तो ऑसम व्यू है। तो इस ब्यूटीफुल से बालकनी व्यू के साथ अगर बात करी जाए तो यार बहुत मजा आने वाला है। हम ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर पे, मेरे ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं है, तो हम एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर एंजॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बालकनी ही नहीं है बल्कि चेयर्स भी है, तो हम आराम से यहाँ पर सेट आउट करके एंजॉय कर सकते हैं, सामने की तरफ समुद्र के नजारे ले सकते हैं, और ये सारी चीजें यार टॉप व्यू में मिली है। तो इस वाले रूम में हम लोगों को बहुत सारी चीजें तो मिली है, पानी की बॉटल पता नहीं चार्जेबल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। पर इसके साथ हमें मिला है यहाँ पे कार्ड यूज करने के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर आने जाने के लिए, इसके पीछे डिटेल्स है तो वो शेयर नहीं करूँगा। एंड यहाँ पर हमारे पास है वॉशरूम जो कि बहुत अच्छा है, स्पेशियस है, मतलब इस कैबिन के हिसाब से देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप कर्टन को यूज़ करके अपना नहा धो भी सकते हो, तो ये सारी चीज़ें अपने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर अलमीरा मिल जाती है, तो अगर हम अपना सामान स्टोर करना चाहें तो इसके अंदर अपने कपड़ों को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि लाइट ज़्यादा नहीं है, और स्टडी टेबल है, फोन वोन अपना यूज़ कर सकते हैं। लाइफ जैकेट्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सेफ्टी मैनुअल्स भी हैं और साथ में टीवी के ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे चल रहे हैं सारे के सारे। और ये बालकनी है जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो यार अभी अभी एक है ना कॉल आया था, उसमें उन्होंने बोला कि थर्ड फ्लोर पर जाना है, शिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उनको हमें यहाँ पे बतानी है। तो निकलते हैं और लिफ्ट विफ्ट को लेते हैं और फिर चलते हैं थर्ड फ्लोर पर। यहाँ तो भैया लिफ्ट को ही लेना अच्छा है, पर आप लॉबी देखो कुछ भी देखो किसी 5-स्टार होटल से ये शिप है ना कम नहीं है। क्या भाग भाग के अंदर घुसे, और ये वाली लिफ्ट तो अपने ना मॉल्स में देखते थे। तो चलो यहाँ से करते हैं शुरू, फ्लोर टू ऊपर का देख सकते हैं। तो ये वाली जो लिफ्ट है ये तो थोड़ी क्लोज है और नॉर्मल वाली है, वो वाली जो लिफ्ट है वो अपनी इम्पोर्टेंट है। और अब हम डेक 5 के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि अनाउंसमेंट जो हुई थी उसके बारे में क्या है। तो ओहो भाई सामने देखो यार, यहाँ पे आई थिंक कोई स्टोर खुलने वाली है फॉरेन ब्रांड, आई थिंक वहाँ पर है, वहाँ से कुछ आवाज आ रही है, वहाँ जाके देखते हैं थिएटर के अंदर। तो वाओ यार मजा आ गया, क्या क्रूज है ये देखो, ये है थिएटर पूरा की पूरा इस जगह का। तो यहाँ पे बैठते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें अभी मिलता है। Excursions that we have for you, and you will be able to check your expenses. देखो सज्जनों, अभी मैं सबसे पहले आपको आपके travel companion Costa app के बारे में बताऊंगा। So ये ship का एक मुख्य जो highlights मैं बोल सकता हूँ वो है navigational bridge, जहाँ से हम जहाज को control करते हैं। One hour later. तो यार अभी अभी यहाँ पर एक शो हो रहा था, इसके कुछ क्लिप्स आपने देखे होंगे, हालांकि वो शो नहीं बोलेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हम लोगों को प्रोवाइड कराई थी कि कैसे यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी क्या क्या नहीं मिलेगा। हालांकि आप ऑडिटोरियम देखोगे तो बहुत बड़ा है,
एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इस ऑडिटोरियम में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन लोगों ने हमें फूड के बारे में बताया, सी के टूर के बारे में बताया जो कि इनका खुद का प्लान है, प्लस ये भी बताया कि किस किस चीज़ के ऊपर फाइन्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर कवर थी। तो इनके कुछ पेड रेस्टोरेंट्स भी हैं, फ्री रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो आप जब आओगे तो आपको भी ये वाला एक टूर देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट बाद बात करें तो एक सेफ्टी ड्रिल भी होने वाला है जहाँ पे ये लोग बताएंगे कि अगर शिप को कुछ होता है इन एनी केस तो आपके पास जो जैकेट्स आपके रूम में थी उसको कैसे आप यूज़ करना है और कैसे आप सेफ यहाँ पे रह सकते हो। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो, नो एनी टाइटैनिक सीन, लेकिन यहाँ पर इन्जॉय आप कर सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद हम लोग इन्जॉय करेंगे सारी चीज़ों को। हालांकि वो लिफ्ट आ गई जिससे कि हम लोग आए थे एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स यार अभी भी खाली हैं, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़े टाइम के अंदर यहाँ पर भी मुझे लगता है कि चीज़ें आ जाएंगी। और इसी फ्लोर के ऊपर शॉप्स ढेर सारी दिख रही हैं एंड ऊपर रेस्टोरेंट भी है, वो भी दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल भी है और बाहर की तरफ भी चलते हैं, मजा आएगा। तो यार लिफ्ट भी के सामने से आएंगे तो यहाँ पर अपने सामने एक है नमस्ते पोस्टा करके चीज़ें जहाँ पे कि लोग अपने फोटोज़ को खिंचवा सकते हैं एंड हम लोग कुछ और चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो एक बार टॉप डेक पे जाने का मैंने वहाँ ट्राई करते हैं। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो शिप का एक मिनिएचर मॉडल रखा है, देख सकते हो यार कितना बड़ी शिप है ये। नीचे चल रहा है, करते हैं मगर कुछ थोड़े से काम लेते उसके बाद आए। तो लो यार हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सबसे टॉप डेक के ऊपर जो कि है डेक नंबर 12, पढ़ सकते हो। तो डेक नंबर 12 पे हम लोग आए हैं और ये है पूरा ओपन। वाह, रात होने पे क्या ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। और इसके थोड़ा सा ऊपर और चीजें हैं तो यहाँ से चलते हैं फटाफट ऊपर, कसम से मजा आ जाएगा इस पे। और ठंड भी बहुत लगेगी क्योंकि रात को जब सीएस यहाँ पे चलने वाली है। हालांकि आई थिंक यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी है जिसमें शायद खाना वाना खा सकते हो। और इधर का व्यू तो देखो, आई नो यार कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। तो लो एकदम टॉप में आ चुके हैं, अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं, बस ये हैंगर लग रहा है, ये गुम्बज आई थिंक कुछ ना कुछ काम का ही होगा तभी यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट, कितनी सारी चीज़ें हैं। हालांकि अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो अपने पास है स्लाइड एंड स्विमिंग पूल, तो वो अपने को नीचे वाले डेस्क पर मिलने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये ही स्विमिंग पूल, सॉरी स्लाइड्स, तो यहाँ से अपन चढ़ के जा सकते हैं और वहाँ सामने अपने को मिलेगा स्विमिंग पूल एंड ऑल चीज़ें। और ये वाला वो गुम्बज है जिसमें अभी हम लोग गए थे। हालांकि हवा बड़ी तेज़ चल रही है, पर आप लोग माइक की क्वालिटी बताओ कैसी है, आपको कैसा यहाँ पे फील हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें कैसी लगती है। नाइस। तो यार क्रूज़ के तो अपने ही अलग मज़े हैं, डेफिनेटली वर्थ एक्सपीरियंस है। मैं ज़रूर कहूँगा कि एक आध बार आप लोग आओ क्रूज़ पे और एक्सप्लोर करो, इट्स रियली वर्थ यार। मतलब अभी तो चली भी नहीं है और इतना मज़ा आ रहा है, जब चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। एंड ये सारे ब्लॉग 4K में है, तो अपनी टीवी के ऊपर 4K में देखिए और ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोगों को इन्जॉय करेंगे हर एक मोमेंट हमको भी यहाँ पे। फाइव स्टार से भी ज़्यादा लग रहा है यहाँ तो। तो अब बताते कि रूम कैसे यहाँ पे खोलना है। तो बस आपको ना रूम पे अपना लेना है कार्ड, टैप करना है और ये जो लाइट जलेगी इसके बाद हम रूम ओपन कर सकते हैं। Few moments later. अभी तक अगर क्रूज की बात करें तो निकला नहीं है, लगभग 8:30 बज गई है, आई थिंक 10 बजे निकलेगा जैसा कि उन्होंने बोला था। और हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, तो देख सकते हो। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखोगे तो बड़ी सी स्क्रीन लगी है एंड वहाँ पे भी एक फाउंटेन टाइप का है, तो शॉप्स हैं, कुछ खाना पीना हो रिलैक्स भी लोग कर रहे हैं। हालांकि इस तरफ से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये वही टर्मिनल आ गया जहाँ पे अपन ने जहाँ से ऑनबोर्ड किया था, समुद्र उस तरफ है। और यहाँ पर है अपने पास एक बड़ा सा चिमनी जिसमें आई थिंक कि इसका ही सारा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ होगा। चलो यार यहाँ से आते हैं ऊपर, वो वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या बिग साइज है यार, अभी इसमें से आवाज़ भी आ रही है, अच्छा खासा यूज तो होगा। और इस टाइम पे यार क्योंकि अभी क्रूज खड़ा है तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो अगर इस तरफ से वह आते हैं सामने की तरफ तो देख सकते हो ये वाला पूरा लुक अपने को देखने को मिलेगा। और नीचे का तो मैंने बता दिया था कि नीचे आपको अलग अलग शॉप्स एंड ऑल देखेंगे, सामने की तरफ वो है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम थे और अब वहाँ से हम यहाँ पर आ गए। तो यार थोड़ा सा इसमें ना हल्का सा गैप था जिसके अंदर यहाँ पे
गिरते से गिरते मैं बचाऊँ तो सही है। बाकी यार हम लोग ना थोड़ा सा कार्ड के पेमेंट के जुगाड़ में लगे हैं कि वो हो जाए तो हमारा इस शिप पे पेमेंट का काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम USDT धीरम और यूरो को यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एंड सारे ऑप्शन में अभी हमारे पास कैश तो वैसे भी नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड एक सहारा है, तो देखते हैं कि उसमें काम होता है या फिर कुछ और वे निकालना पड़ेगा। अगर कॉस्टा पे बात करें तो देखो यहाँ पर ऊपर छत पे एक ये नेट वाला भी है जिसमें कि आपको फुटबॉल टाइप की भी चीज़ें मिल रही हैं, बास्केटबॉल भी मिल रही है, और कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे खेल ही रहे हैं। तो ये वाला जो पीछे पूरा पाइप जैसा बड़ा स्पेस है उधर है, एंड यहाँ से अगर नीचे देखोगे तो यार व्यू तो आपको ऑसम मिलने वाला है। तो एक अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरा लाइट आएगा दिन भर में। हालांकि हम लोग एकदम एंड की तरफ आ गए हैं, अगर आप देखोगे तो डेक का ऑलमोस्ट एंड है, यहाँ से कि आप नीचे तो उतर ही सकते हैं। और इसमें अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा और स्पेस हमें मिलता है, और वही ओपन एरिया है जैसे कि वहाँ पे हमने आगे की तरफ भी देखा था, एंड दूर दूर तक फैला हुआ समुंदर। पर वहाँ से उतर के मैं नीचे आ गया, और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर है अपने पास एक स्विमिंग पूल, उसके पास एक छोटा स्विमिंग पूल भी है इधर, और लोग थोड़ा सा यहाँ पे चिल आउट भी कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे धूप निकलेगी कल तब मज़ा आएगा, हम भी ट्राई करते हैं स्विमिंग पूल में आने का, स्विमिंग करेंगे, मज़े आएंगे। और वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड वंड तो है नहीं, लेकिन एकदम लास्ट की बात करें तो ये देखो एकदम लास्ट जोन आ गया है इस क्रूज़ का। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा समुंदर क्लियर दिखेगा, और ये पूरा रोड है इधर से ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ से कि हम लोग आए हुए थे, और यहाँ से देखो एक अच्छा खासा व्यू जो कि आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जब भी आप आते हो घूमने फिरने तो बढ़िया है, शाम के टाइम में मतलब रात का टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज चुकी है, और हम मजे से यहाँ पे घूम रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो यार बहुत देर से हम लोग ऊपर ही घूम रहे थे डेक्स के ऊपर, देख सकते हो क्योंकि अच्छी हवा भी चल रही है और थोड़े गाने भी चल रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी भूख लगाई है तो नीचे आते हैं डेक पे। तो थर्ड नंबर डेक है जिसपे जाना है खाने के लिए, तो बाकी सब लोग तो वहाँ पहुँच गए तो उनका मैसेज आ गया। बट हाँ यार यहाँ पे ऊपर और रूम में ना थोड़े से नेटवर्क आ रहे हैं, हम थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ भी कर रहे हैं, बट आई थिंक कि जब शिप थोड़ा ऐसे निकलने लगेगी तो नेटवर्क चले जाएंगे। पर कॉल के ऊपर बात तो अभी भी नहीं हो पा रही ढंग से, प्रॉब्लम उसमें अभी भी एज इट इज़ के एज इट इज़ ही आ रहा है। तो ठीक है देखते हैं, बाकी हम लोग ट्राई कर ही रहे हैं वो पेमेंट हो जाए तो हमारा कार्ड वार्ड चालू हो जाए तो इंटरनेट ले पाए और दो दिन यहाँ पर आराम से बिता पाए। तो उस तरफ मैंने दिखाया था तो वहाँ तो टर्मिनल था अपना, लेकिन इस तरफ पूरा प्योर समुद्र है। हालांकि रात हो गई तो कुछ ज़्यादा खास दिखने नहीं वाला है, और आईफोन इतना भी अच्छा नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें दिखाए, बट देख सकते हो कुछ शिप्स यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो चल रही हैं। आई थिंक वो रही एक, ये देख सकते हो एकदम छोटी सी यहाँ पर भी है, तो ये पूरा समुद्र ही है। तो धीरे धीरे जब जो हमारा यार्ड है यानी कि हमारी जो ये क्रूज है, जब ये धीरे धीरे खिसकना शुरू करेगी तो यहीं से जाएगी। हालांकि अभी तक चालू नहीं हुई है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हो जाए तो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं फूड जोन के अंदर और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या क्या है और अभी हम लोगों को रात के खाने में क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। उधर तो चल रहा है डीजे और हमें चाहिए फूड, तो हम आ गए हैं यहाँ पे। पूरी 11:30 बजे खुला होती है टाइम, 8 बजे से 11:30। तो ये वाला डाइनर हॉल है जहाँ पे कि सब लोग अपना खाना खा रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से यहाँ पे खाने के लिए अच्छा सा दिया हुआ है। तो देखते हैं यार यहाँ पे खाते हैं या फिर कहीं और, हम तो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, हम उनको फाइंड करें पहले। तो चलो भैया अब हम खाना खाने आते हैं अपनी टेबल पे, और इसी रेस्टोरेंट में आ गए जो कि 3rd फ्लोर पे हमने बाहर से भी देखा था जिसको हम भटक के गए थे। बाकी दोस्तों भी मिल गए तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी खाना खा लिया था, हम लोगों की बारी, बाकी लोग भी आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सेट करेंगे। Few moments later. तो लो भाई अब अपना खाना भी पूरा हो गया यार, बहुत सही खाना था, मज़ा आ गया, मेरा तो थोड़ा सा बच भी गया बट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो चलो यार अब हमारा खाना तो हो गया, अच्छा खासा था, टेस्टी खाना मिल गया खाने को, पेट लपक के भर गया, लेकिन अब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोगों का की लॉक हो जाएगा, तो वो भी एक आफत है। तो फटाफट आके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं शिप के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, जो लाइफ जैकेट रूम के अंदर थे। तो ये रहे यार हमारे लाइफ जैकेट्स, अब ये हम लेके चलते हैं सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी गाइड्स के लिए। तो यहाँ पे बात करें तो लिफ्ट से नहीं जाने दे रहे हैं और हम लोगों को जाना है सिर्फ सीढ़ियों से, बाकी जितने भी स्टाफ है उन्होंने भी सेफ्टी ग्रिल के लिए सारी चीज़ें पहन रखी हैं, और हम लोग भी अपने जैकेट्स लेके जा रहे हैं सेफ्टी ग्रिल के लिए। तो यार सेफ्टी ग्रिल की बात करें तो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब लोगों ने इसको पहन लिया है, इवन दैट मैंने भी इसको यहाँ पे पहन लिया है। अब देखते हैं कि वो आगे यहाँ पे क्या क्या करवाते हैं और
क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं। सेफ्टी ग्रिल के बाद बात करें तो यार बहुत ज्यादा यहाँ पे मेला लग चुका है और हम दोनों भी फंसे पड़े। बस बाकी वो शॉर्ट था, बस ये पहन के आना नीचे और कुछ नहीं था और सिंपल भाषा। तो यार जो सिक्योरिटी वाला था वो तो हो गया है और अभी तक भी क्रूज नहीं चला है, पर अब मेरे को बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह का 3 बजे का यहाँ पे जगा हुआ हूँ। तो आज के इस व्लॉग का इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत सारा। लेकिन ये ट्रिप खत्म नहीं हुई, ये तो पहला व्लॉग था, अभी बहुत सारे दिन बाकी हमारे इस ट्रिप के अंदर। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस तरीके के कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर पाएँ, और जितने भी पूरी सीरीज आने वाली है इसको शेयर भी करो ताकि दूसरे लोग भी इसको एंजॉय कर पाए। अगर वो भी प्लान करते हैं मुंबई से दुबई जाने का बाय क्रूज तो उन्हें भी पता पड़े कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बस आज के वीडियो में इतने, हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।